प्रोफेसर राम गोपाल यादव। मैं राम गोपाल यादव राज्यसभा चैंबर से। श्रीमान आपने अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपकी कृपा इसी तरह से बनी रहेगी। श्रीमान बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, मैं बहुत कम समय में कहूंगा। लॉकडाउन के कारण देश में छोटे बड़े कारखाने के बंद होने से, कारोबारियों का कारोबार बंद होने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, उनके परिवार बिखर गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर, उन्हें भूखे पेट सोने के लिए कभी कभी विवश होना पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिनके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे हैं, 5 साल बाद समीक्षा की जाएगी, वे भी असमंजस में है कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नतीजा ये है कि लोगों में अवसाद बढ़ रहा है, निराशा बढ़ रही है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है और हताशा की स्थिति में जी रहे हैं बड़े पैमाने पर लोग। और नतीजा ये है कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इन 4-5 महीनों में कोविड की वजह से अकेले नोएडा में 44 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन आत्महत्या की है 165 लोगों ने कल तक। ये स्थिति है, इसलिए मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से नौकरियों से, मजदूरी से अलग हो गए हैं, उनको प्रतिमाह कम से कम 15,000 रुपया भत्ता के रूप में दिया जाए, ताकि वो कम से कम भूखों न मरें और वो जिंदा बने रह सकें। लोकतंत्र में हर गवर्नमेंट ये कर रही है, पश्चिम से लेके पूरब तक, हमें भी ये करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और देश में जो आत्महत्याएं बढ़ रही है रोजाना, उनको रोकने के लिए एक सार्थक कदम उठाएं। ठीक, धन्यवाद जी। सब्सक्राइब कीजिए News81 हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।